नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का असर, मेरी कहानी का शीर्षक आज यही है। जीवन में लोगों से अच्छी बात करो, उनसे अच्छे से मिलो, वो आपको पसंद हो या ना हो, एक मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करो। वो आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा, और जरूरत के वक्त ये तुम्हारा अच्छा बर्ताव तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा, ये सच है। ये दादा पोते की कहानी है। दादाजी ने दूसरे तरीके से अपने पोते को बात समझाने की कोशिश की। वो उसे एक जगह पर ले गए जहाँ से दो दुकानें नजर आती थी। अब दादा ने पोते से कहा कि बताओ बेटा, तुम्हें इन दोनों दुकानों में क्या फर्क नजर आता है? तब पोते ने कहा कि दादाजी, एक दुकान पर ग्राहक कम है, दूसरी दुकान पर ज्यादा है। दादा ने अपने पोते से कहा कि इसके पीछे का कारण साधारण सा है। जिस दुकान पर ज्यादा ग्राहक है, वो वस्तु तोलते समय पहले तराजू में कम वस्तु रखता है, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ाता है, और सामने खड़े ग्राहक को लगता है कि उसे ज्यादा वस्तु दे रहा है, जबकि दूसरी दुकान के मालिक के पास ग्राहक कम है, जो तोलते समय ज्यादा वस्तु रखता है और वजन बराबर करने के लिए उसमें से थोड़ी थोड़ी निकालता रहता है, तो ग्राहक को लगता है कि ये चीजें कम दे रहा है। ये एक साधारण सा फर्क है जो ग्राहक अपनी आंखों से देखता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। इससे ग्राहक को लगता है कि वो वस्तु कम दे रहा है, जबकि दोनों दुकानदार बराबर वस्तु दे रहे हैं। दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, हालांकि दोनों को देखने का नजरिया ग्राहक का अलग अलग है। इसी तरह हमारे जीवन भी है। इसी तरह से हम अपने जीवन में अच्छे लोगों से बात करनी चाहिए। जीवन में लोगों से अच्छी बात करो, उनसे अच्छे से मिलो, वो आपको पसंद हो या ना हो, एक मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करो। वो आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा, और जरूरत के वक्त ये तुम्हारा अच्छा बर्ताव तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा, ये सच है। दादा ने पोते को इस तरह समझाया कि पोता गदगद हो गया और उसने इसे जीवन का मंत्र बना लिया। आगे जाकर वो एक प्रसिद्ध व्यापारी बना। दोस्तों, छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। बच्चों को कैसे किन चीजों को समझाना है, उदाहरण देकर अगर समझाओगे तो उनकी समझ में जल्दी आएगी और वो जीवन भर उन बातों को नहीं भूल पाएंगे। समझाने के तरीकों पर गौर जरूर कीजिएगा। मेरा आज की कहानी का कहने का मतलब यही है, बच्चों पर छोटी छोटी बातों का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए छोटी बातों को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों के दिमाग में बैठेगी और जीवन भर उनके लिए काम आएगी। आशा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।